आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज हम कुट्टू और साबूदाने के कटलेट बनाने जा रहे हैं। इनको बनाने में क्या क्या सामान यूज होता है वो मैं आपको बताती हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज्वाइन करना और बेल बटन दबाना। आधी कटोरी कुट्टू का आटा, 2 बड़े चम्मच साबूदाना और 4 आलू, 2 हरी मिर्चें, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 1/2 कटोरी धनिया और 1/2 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च, तलने के लिए ऑयल। सबसे पहले हम साबूदानों को 2 घंटे के लिए भिगो देते हैं। आलू को हमने उबाल लिया था, इनको छील लेते हैं। हरी मिर्च और अदरक को काट लेते हैं। हमारे साबूदाने को 2 घंटे हो गए हैं। ये हमारा साबूदाना फूलकर इतना मोटा मोटा हो गया है। इस बीच में हमने आलू भी छील लिए हैं, हरी मिर्च अदरक भी काट लिया है। मैंने एक खाली बाउल ले लिया है और अब मैं मिक्सर बनाना शुरू करती हूँ। इसके अंदर मैं ये आलू डाल रही हूँ। ये 4 आलू मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इनको मैं हाथ से इस तरह से मैश कर लूँगी। 4 आलू मैंने तोड़ लिए हैं। मैंने साबूदाने का पानी निकाल दिया है और ये साबूदाना भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये कुट्टू का आटा भी ऐड कर रही हूँ। नमक, काली मिर्च, हरी मिर्च, अदरक और हरा धनिया, इन सभी को मिलाकर हम एक मिश्रण बना लेते हैं। इसमें पानी का यूज ना करें। हमने अपना पेस्ट इस तरह से बना लिया है। आइए अब शुरू करते हैं। तेज गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है और इसमें अब हम ऑयल डालते हैं। इतना हमारा ऑयल गर्म होता है इतने हम इनको बना लेते हैं। आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। ये आप व्रत के अलावा किसी दिन भी बना के खा सकते हैं। और यदि व्रत के अलावा बनाते हैं तो आप कोई भी मसाला यूज कर सकते हैं। करीबन 2 मिनट हो चुके हैं, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है और हमने कटलेट भी तलने के लिए तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको तलने के लिए डाल रही हूँ। ये हमने इस शेप में भी बनाए हैं। गैस अपनी धीमी कर दें, तेज गैस पर ना बनाएं, क्योंकि यदि हम तेज गैस पर बनाएंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से सिक जाएंगे, इसलिए हमें गैस अपनी धीमी रखनी है। देखिए ये हमारे हल्के हल्के सिकने शुरू हो गए हैं। अब ये पूरी तरह से सुनहरे हो चुके हैं। अब इनको मैं निकाल लेती हूँ। हमारे कुट्टू साबूदानों के कटलेट खाने के लिए तैयार हैं। खाना भी, खिलाना भी, मुझे कमेंट में बताना भी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ। धन्यवाद।